गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम मिस्टर वैभव तितरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस लेक्चर सीरीज में और हमारा जो सब्जेक्ट है वह है अप्लाइड मैकेनिक्स आज हम चैप्टर नंबर टू से शुरुआत करने वाले है और आज का जो टॉपिक है हमारा वह रहेगा सिंपल लिफ्टिंग मशीन कॉन्सेप्ट learning outcomes after completion of this lecture you are able to describe the components of given lifting machine differentiate the working principle of given two types of simple lifting machine these are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture तो आइए दोस्तों हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर टू की जिसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वह है मशीन तो जैसे कि आप सभी को डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक छोटा सा जो पार्ट है मशीन का वो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है तो मशीन मतलब क्या अ मशीन इज अ टूल मशीन इज अ टूल और डिवाइस मशीन इज अ टूल और डिवाइस विच यूज एन एफर्ट और अवेलेबल एनर्जी टू डू ए सर्टन वर्क तो मशीन मतलब क्या मशीन इज अ टूल और डिवाइस मतलब टूल मतलब क्या यह एक यंत्र है या फिर यह एक उपकरण है बराबर विच यूज एन एफर्ट ये एफर्ट का यूज करता है एफर्ट मतलब ताकत और अवेलेबल एनर्जी अवेलेबल एनर्जी मतलब ऊर्जा ऊर्जा का यूज करके क्या करता है टू डू ए सर्टन वर्क टू डू ए सर्टन वर्क मतलब ये कोई कार्य करती है या कोई काम करती है बराबर है तो वट इज मशीन मशीन इज अ टूल और डिवाइस विच यूज एन एफर्ट और अवेलेबल एनर्जी टू डू ए सर्टन वर्क मशीन ये ऐसा यंत्र है या ऐसा उपकरण है वह ताकत का या ऊर्जा का यूज करके किसी कार्य को संपन्न करता है आपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे मशीन के जैसे कि हमारी जो मोटरसाइकिल है है ना मोटरसाइकिल या जिसको हम बाइक बोलते हैं यह भी एक मशीन है कार एयरप्लेन वॉशिंग मशीन सब कुछ ये क्या है बेटा यह मशीन है बराबर है अस बिगिन विथ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन ये डायग्राम है इस डायग्राम में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक जो मैकेनिक है ये जो मैकेनिक है इन मैकेनिक ने क्या किया है यहाँ पे इस कार को लिफ्ट किया हुआ है क्या किया है इस कार को इन्होंने लिफ्ट किया हुआ है बराबर है और कार को लिफ्ट करने के लिए या उठाने के लिए इस जैक का यूज किया हुआ है इस जैक का यूज किया हुआ है बराबर है तो मैकेनिक के लिए ये क्या हो जाएंगे कार कार इज अ लोड मैकेनिकली ये कार क्या हो जाएगी बेटा लोड हो जाएगी क्या हो जाएगी ये कार लोड हो जाएगी और मैकेनिक क्या करेंगे मैकेनिक इस जैक के ऊपर एफर्ट अप्लाई करेंगे मैकेनिक इस कार के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे एफर्ट मतलब ताकत यूज बराबर है ताकत अप्लाई करेंगे अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन इज अ डिवाइस बाय व्हिच हेवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय व्हिच न बी लिफ्टेड बाई अप्लाइंग द लेस एफर्ट बराबर है सिंपल लिफ्टिंग मशीन है ऐसा डिवाइस है जो कि हेवी लोड ये जो कार है यह क्या है लिफ्टेड बाई अप्लाइंग द लेस एफर्ट कम से कम कम से कम ताकत में कम से कम ताकत में ज्यादा से ज्यादा लोड उठाने के लिए जो डिवाइस को हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा सिंपल लिफ्टिंग मशीन इसका एग्जाम्पल है हेवी लोड ऑफ ए कार कैन बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्क्रू जैक बाय अप्लाइंग ए स्मॉल फोर्स कम से कम एफर्ट या कम से कम फोर्स का यूज करके हम हेवी कार हेवी कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो लिफ्टिंग मशीन है उनके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन के दो टाइप्स होते हैं सबसे पहला जो टाइप है उसे हम बोलते हैं सिंपल मशीन पहले टाइप को हम क्या बोलते बेटा सिंपल मशीन तो सिंपल मशीन इज ए मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पार्ट्स विथ सिंप्लेक्स मैकेनिज्म बराबर है तो सिंपल मशीन ये ऐसा डिवाइस है वहां पे एक या दो ही पार्ट रहते हैं एक या दो पार्ट बराबर है दो तो पार्ट्स और इसमें कम से कम पार्ट होने की वजह से इनका जो मैकेनिज्म रहता है वह कैसा रहता है सिंपल मैकेनिज्म रहता है बराबर है सो सिंपल मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ एक या दो ही पार्ट्स लगते हैं और उनका मैकेनिज्म जो होता है वह सिंप्लेक्स मेकेनिज्म होता है जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पुली व्हील एंड एक्सल लीवर एंड स्क्रू बराबर है pulley, axle, जैसे कि लीवर आपको दिख रहा होगा ये लीवर जब आप गार्डन में सीसो है ना सीसो जो रहता है वहां पे आपने देखा होगा वहां पे लीवर रहता है पुलिस जो व्हील एंड एक्सल है जो साइकिल में या बाइक्स में रहते हैं ये जो इंक्लाइन प्लेन है है, है, स्क्रू ये सभी एग्जाम्पल्स है किसके सिंपल मशीन के तो आपने ध्यान में रखना एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन क्या है लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल इंक्लाइन प्लेन वेज स्क्रू दीज आर दी डिफरेंट सिंपल लिफ्टिंग मशीन में का सिंपल मशीन ओके अभी हम देखते हैं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन का सेकेंड टाइप कंपाउंड मशीन तो कंपाउंड मशीन मतलब क्या कंपाउंड मशीन इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंपल मशीन कंपाउंड मशीन ये ऐसी मशीन है जो नंबर ऑफ सिंपल मशीन से बनती है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो मशीन है ये नंबर ऑफ पुलिस से बनी हुई है बराबर है तो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो पुलिस है वो कैसी है सिंपल मशीन है और यहाँ पे बहुत सारी पुलिस का यूज किया है बेल्ट का यूज किया है मतलब ये नंबर ऑफ सिंपल मशीन से बनी हुई मशीन है इसलिए हम इसको इसलिए हम इसको कंपाउंड मशीन बोलते हैं अ कंपाउंड मशीन में आल्सो बी डिफाइंड एज द मशीन विच हैज मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉर द सेम पर्पज हम कंपाउंड मशीन को और डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी मशीन है जहां पे मल्टीपल या फिर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का यूज होता है ऐसी मशीन को हम कंपाउंड मशीन भी बोलते हैं कंपाउंड मशीन डू हेवी वर्क विथ लेस एफर्ट एंड ग्रेटर स्पीड कंपाउंड मशीन की यह विशेषता है कि ये हेवी वर्क कर सकती है बड़े बड़े कार्य कर सकती है कम से कम एफर्ट में कम से कम एफर्ट में और ज्यादा से ज्यादा स्पीड में इसकी विशेषता है हेवी वर्क कर सकता है कम से कम एफर्ट में और ज्यादा से ज्यादा फास्ट या ज्यादा से ज्यादा स्पीड में फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रेन वन इज गियर्स एंड आर यूज टू ड्राइव द रोप ड्रम एंड अदर मैकेनिज्म पुलिस आर यूज टू लिफ्ट द लोड दस क्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मशीन्स और मेकेनिज्म दैट इज गियर्स एंड पुलिस अगर आप इस डायग्राम में देखते हो यहां पे आप देखते हो तो ये जो मशीन है या तीन या चार मशीन से बनी हुई है बराबर है जिसमें मुख्य जो है गियर से और पुलिस से बराबर है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दट इज लोड एंड एफर्ट बराबर है concept, is, तो ये आप ये फलक्रम यहां पे आपको दिख रहा होगा बराबर है दिस इज अफ फलक्रम और ये एक लीवर है इस लीवर के ऊपर ये जो एक व्यक्ति दिख रहे आपको एक पर्सन यहां दिख रहे है वो क्या कर रहे हैं यहां पे एफर्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे ये एफर्ट का यूज कर रहे हैं जिसके कारण ये जो लोड है ये क्या हो रहा है लिफ्ट हो रहा है जिसके कारण ये लोड क्या हो रहा है लिफ्ट हो रहा है तो अभी हमको यही देखना है कि लोड मतलब क्या और एफर्ट मतलब क्या तो पहले देखते हैं लोड द वेट टू बी लिफ्टेड और मूव विद द हेल्प ऑफ मशीन मशीन का यूज करके जो वेट या लोड हम लिफ्ट करते हैं द वेट टू बी लिफ्टेड और मूव विद द हेल्प ऑफ मशीन तो इस फिगर में आपको ये जो वन टन का जो लोड है उसको हमें क्या करना है लिफ्ट करना है इसलिए यह पर्सन के लिए इस पर्सन के लिए यह वन टर्न इज अ लोड लोड इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर डब्लू लोड को हम किससे डिनोट करेंगे डब्लू से एंड द यसाई यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन यसाई यूनिट ऑफ लोड इज न्यूटन बराबर है द वेट टू बी लिफ्टेड और मूव विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड एज लोड लोड इज डिनोटेड बाय डब्लू एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन नेक्स्ट इज एफर्ट एफर्ट मतलब क्या एफर्ट को हमने बोला था ताकत बराबर एफर्ट को हमने क्या बोला था ताकत द द फोर्स फोर्स अप्लाइड अप्लाइड टू टू लिफ्ट लिफ्ट और मूव द लोड थ्रू मशीन तो ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या कर रहा है यहां पे ये आदमी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसके वजह से क्या हो रहा है ये लोड लिफ्ट हो रहा है ये लोड क्या हो रहा है लिफ्ट हो रहा है तो व्हाट इज एफर्ट द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट और मूव द लोड थ्रू मशीन इज कॉल्ड एज एफर्ट इज कॉल्ड एज एफर्ट एफर्ट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी एफर्ट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर पी एंड द यूनिट ऑफ एफर्ट इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ एफर्ट इज न्यूटन बराबर है तो आपको याद रखना है लोड का मीनिंग क्या होता है और एफर्ट का मीनिंग क्या होता है ओके अभी देखते हैं दोस्तों हम हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज सो मैकेनिकल एडवांटेज मतलब क्या जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा एक यहां पे स्टोन है एक स्टोन है मतलब ये क्या है ये पत्थर है इस पत्थर को यहां से हमको उठाना है है ना इस पत्थर को यहां से हमें उठाना है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करेंगे तो इस लोड में इस लोड में और इस एफर्ट में कुछ ना कुछ तो रहेगा इस लोड में और इस एफर्ट में कुछ ना कुछ तो रहेगा उसके बारे में जब हम सीखेंगे वो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या कहलाते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज और हम सब इंजीनियर बनने जा रहे हैं हम सब क्या बनने जा रहे हैं इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो हम ऐसा सोचेंगे हम कैसा सोचेंगे हम ऐसा सोचेंगे कि कम से कम ताकत में कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सके कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर सकेंगे वो जो कंसेप्ट है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज चलो देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ क्या है बेटा मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड बाय द मशीन टू द एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड तो सिंपल है एकदम व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड रेशियो है लोड का और एफर्ट का बराबर अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट अप्लाइड लोड को हम डब्लू बोलते हैं डिवाइडेड बाय एफर्ट को हम बोलते हैं पी सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमें मिलता है एम ए इज इक्वल टू डब्लू डिवाइडेड बाय P मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो हेंस इट हैज नो यूनिट मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है रेशो है उसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं है देखते हैं यूनिट क्यों नहीं है जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लोड का यूनिट क्या होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय एफर्ट का यूनिट क्या होता है न्यूटन न्यूटन के नीचे न्यूटन 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 गेट कैंसल इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज इज अटलेस क्वांटिटी ओके मैकेनिकल एडवांटेज इज जनरली मोर देकेनिकल एडवांटेज हर बार एक से ज्यादा होना चाहिए मतलब लोड हर बार ज्यादा रहना चाहिए लिफ्ट हमने ज्यादा लोड करना चाहिए कम से कम एफर्ट में ओके okay? अभी हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं वेलोसिटी रेशियो तो विलोसिटी रेशियो क्या है जैसे कि आपको इन दोनों फिगर्स में पता चल रहा है जैसे यहाँ पे आप अगर देखते हो राइट right साइड वाली फिगर में तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है यहाँ पे कुछ एफर्ट का यूज कर रहा है और ये 200 हंड्रेड के लोड को लिफ्ट कर रहा है जब ये एफर्ट का यूज कर रहा है तो ये जो एफर्ट है चार मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया जब एफर्ट इन्होंने यूज किया तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया चार मीटर और लोड ने एक मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक मीटर तो यही तो है विलोसिटी रेशो जितना डिस्टेंस लोड जितना डिस्टेंस एफर्ट ने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस लोड ने ट्रैवल किया बराबर है जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं ये वाले फिगर में ये वाले फिगर में हम क्या कर रहे हैं स्टोन यहाँ पे हम इंपेक्ट कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारा जो लोड है ये कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है बराबर है तो ये आपको डिस्टेंस ए और डिस्टेंस बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो डिस्टेंस तो ट्रैवल बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड इनमें जो रिलेशन आता है उसे हम वि रेशियो

है, ओके अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मशीन तो आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा बराबर है इस डायग्राम में राइट साइड में इधर साइड में हम एफर्ट लगा रहे हैं और लेफ्ट साइड में हमें आउटपुट मिल रहा है बराबर है तो जब हम एफर्ट को यूज करेंगे तो इट इज अ इनपुट साइड इसे हम क्या बोलेंगे बेटा इनपुट साइड और हमारा अल्टीमेट एम है कि लोड को लिफ्ट करना लोड को कुछ लिफ्ट करना तो हमारा ये एम है दैट इज नथिंग बट अ आउटपुट टू लिफ्ट द लोड इज अवर आउटपुट एंड टू अप्लाई द एफर्ट दैट इज अवर इनपुट बराबर फिर इस एफर्ट का इस फलक्रम के साथ कुछ डिस्टेंस रहेगा है ना अपन हमने, हमने, हमने क्या पढ़ा है अभी तक फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो भी वर्क रहता है जो भी वर्क रहता है दिस इज नथिंग बट अ फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स इंटू डिसमेंट तो अगर हम इनपुट की बात करेंगे अगर हम इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट साइड में क्या फोर्स लग रहा है इनपुट साइड में फोर्स लग रहा है एफर्ट और इनपुट साइड में डिस्टेंस क्या है वाई बराबर है सो दिस इज नथिंग बट अ इनपुट पी इन टू वाय हमारा जो आउटपुट है ये लोड साइड पे मिल रहा है हमारा आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है लोड साइड में तो दैट इज हमारा पे फोर्स हो जाएगा लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड का कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एक्स सो डब्ल्यू इंटू एक्स इजर आउटपुट ओके okay? तो चलो देखते हैं इसको सो व्हाट इज इनपुट इनपुट ऑफ द मशीन इज द वर्क डन ऑन मशीन इनपुट ऑफ मशीन इज द वर्क डन ऑन मशीन हम इनपुट मशीन को देते हैं हम इनपुट मशीन को देते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क डन ऑन मशीन इसका और एक डेफिनेशन है इट इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय द

और P का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन डिस्टेंस Y का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर तो इसलिए इनपुट का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर इनपुट का यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर अभी देखते हम आउटपुट ऑफ मशीन हम आउटपुट मशीन से लेते हैं हम आउटपुट क्या करते हैं मशीन से लेते हैं सो द वर्क डन द वर्क डन बाय मशीन द वर्क डन माई मशीन बराबर द वर्क डन बाय मशीन जो हम वर्क मशीन से करवाते हैं या लेते हैं उसे हम आउटपुट ऑफ मशीन बोलते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड मतलब ये गुणाकार है किसका लोड का मतलब W का और डिस्टेंस मूव बाय लोड मतलब X का सो देरपुर आउटपुट ऑफ मशीन इज W इन एक्स और इसका भी यूनिट क्या है न्यूटन मीटर क्योंकि W का यूनिट न्यूटन W का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर सो न्यूटन मीटर ओके हम इस लेक्चर का आखिरी कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है इफिशियंसी ऑफ मशीन हम इफिशियंसी को कार्यक्षमता बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको कार्य क्षमता मशीन की कार्य क्षमता ओके सो द इफिशियंसी ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ उटपुट टू द इनपुट ऑफ मशीन एंड टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो इफिशियंसी क्या है दोस्तों आउटपुट ऑफ मशीन और इनपुट ऑफ मशीन का और इफिशियंसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है उसे हम इफिशियंसी ऑफ मशीन कहते हैं सो दिस द फॉर्मूला

हमें पता था थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि आउटपुट इज W इंटू एक्स तो हमने यहाँ पे लिखा है W इंटू एक्स इनपुट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने P इंटू वाई तो इनपुट पे जगह पे लिखा है हमने P इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड फिर हम हमने क्या किया इस W और P को एक के नीचे एक लिखा W डिवाइडेड बाय P Y को जैसा का वैसा रखा है और इस X को Y के नीचे लिखा बराबर है हमने यहाँ पे क्या के एक बार मैं बता दूं देखिए यहाँ पे कहता है हमारा इज इक्वल टू w x डिवाइडेड बाय p y और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 जैसा का वैसा हमने क्या किया इस w p को ऊपर लिख दिया चलता है w के नीचे p ये y जो है ये वाला दिस y अपनी जगह पे है और इस x को हमने इस y के नीचे लिख दिया इस x को हमने y के नीचे रख दिया

Velocity ratio, okay? और इसको ही हम बोल सकते हैं है है, इस इक्वेशन को हम रिलेशनशिप भी बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेजी रेशियो और इफिसियंसी के बीच में का तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डेरिविएशन है आपने अच्छे से ध्यान में रखना है ओके आर द unit outcomes we have achieved that is we have described the various components of lifting machine and we can now differentiate the working principle of given two different types of simple machine let us review the today's, talk, today's today's lecture in today's lecture we have learned about the machine simple lifting machine and its various types that is simple machine and compound machine we have also discussed about the load effort mechanical advantage and velocity ratio

वहाँ पे आपने एज असाइनमेंट इसको सबमिट करना है ध्यान में रखना है जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपने लिखना है और एज as असाइनमेंट आपने ये मुझे फॉरवर्ड करना है ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइज इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं लॉ मशीन एंड टाइप्स ऑफ मशीन आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है चलो थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए थैंक यू